ओडिशार केन्द्रीय विश्वविद्यालय छात्र छात्री और शिक्षक शिक्षयत्री परिश्रम बल से नुआ शिक्षा नीति माध्यम रे आत्मनिर्भर भारत निर्माण रे अग्रणी भूमिका निर्वाह करिबो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे विश्वविद्यालय द्वादश प्रतिष्ठा दिवस रे आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम रे जोग देई एहा कहिसेंती केंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशाखंक सह केंद्रीय विश्वविद्यालय एकेडमिक ब्लॉक लाइब्रेरी और स्टाफ क्वार्टर्स शिलान्यास अवसर में धर्मेन्द्र कहते ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय छात्र छात्री अधिक सुजोग आणव राज्य में जनजाति आधारित गवेषणा नृतात्विक पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित कर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वदा ओडिशा को शिक्षा क्षेत्र में अधिक गुरुत्व देउछन्ति। संबलपुर आईआईएम, ब्रह्मपुर आईजर, भुवनेश्वर आईसीटी आईओसीएल, भारतीय दक्षता केन्द्र एवं एनएसटीआई, आईआईटी भुवनेश्वर, सीपेट और जटनी रे नाइजर भली शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा होई पारिछे। ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय कृषि गवेषणा पाई नुआ उद्यम और कोरापुट जैविक कृषि उत्पादित सामग्री बजार सृष्टि करिबा पाई उद्यम करू बोली धर्मेन्द्र कहते। केन्द्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल कहते केन्द्रीय विश्वविद्यालय ओडिशार आशार केन्द्र हो पारिछे। ओडिशार प्रतिभा को केन्द्रीय विश्वविद्यालय विश्व दरबार में परिचित करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण कर। यह अवसर में ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय कुलपति आई राम ब्रह्मा उपस्थित थे। गिविंग ए फ्लिप टू द विजन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाज सेट अप एनईपी 2020 एनविसाइज ब्रॉड बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल सर करिकुला क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट with appropriate certification to make the research ecosystem robust. National Research Foundation has been constituted in NEP. We shall provide mentorship funding and serve as a platform for industry, academia, government partnership. NEP will enable regional rooted industry, academy, government ecosystem to flourish. Central University could offer opportunities in tribal studies, anthropological studies for the state of Odisha. It could leverage employment opportunities in neighboring Hal, Sunambeda for its management program graduates and also offer consultancy service to NALCO, Damanjori, to Department of Management, Biodiversity and Conservation of Natural Resources. Koraput has a gross endowment ratio, GER, lower than the national average of 11%, and the NEP 2020 has set the target of increasing GER in school education to 100% across the India by 2030.